मैंने मेरी आंखों से देखा, एक लड़का आता है और खंबे पे लगे हुए भगवान श्री राम के झंडे को उतारता है। और हालांकि वहां पर बहुत से इस्लामिक झंडे लगे हुए, कभी हिंदुओं ने वहां पर किसी उसके झंडे नहीं उतारे हैं। तो वो भी झंडा दिख रहा है पास में, व्यक्ति से उसने वो क्यों नहीं फाड़ा? अगर यही अगर किसी हिंदू ने वो जिस झंडे को हाथ लगाया होता है तो आज अभी का अभी सर तन से जुदा हो जाता। पुलिस को सूचना मिली थी कि जो भगवान राम का जो ध्वज है उसको नीचे उतारा गया है। इस संबंध में लोगों में विवाद उत्पन्न हुआ और लोग आक्रोशित हुए हैं। वो खंबे पर दो झंडे लगाए थे, एक श्री हमारे श्री राम प्रभु का और एक इन मुसलमानों का था, जो भी हमारे इनका होता है राम का। लेकिन यहाँ से मैं गुजरा था तभी एक लड़का रफीक नाम का लड़का झंडे उस खंबे पर चढ़ा था। एक जना था और भी थे, कोई यहाँ एक जना ही था। हमारी मांग है तुरंत उसको गिरफ्तार करे, और उसके पीछे कौन है, उसको सह किसने दी है, कौन है साजिश करने वाला, जो साजिश करता कौन है, साजिश करता है नहीं उसकी जान छोड़ी। बिल्कुल, आज पूरा देश भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद एक उत्सव मना रहा है। और आज पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर के ग्रामीण थाना क्षेत्र के भाडखा में एक राम मंदिर के ध्वज को नीचे उतारने के मामले को लेकर विवाद उपजा है। और यहां पर मौके पर भारी पुलिस का जाब्ता तैनात है और पुलिस के अधिकारी भी है। हमारे साथ बाड़मेर के एडिशनल एसपी साहब है। सर, क्या मामला है और क्या सूचना मिली इसके बाद यहां पहुंचे? पुलिस को सूचना मिली थी कि जो भगवान राम का जो ध्वज है उसको नीचे उतारा गया है। इस संबंध में लोगों में विवाद उत्पन्न हुआ और लोग आक्रोशित हुए हैं। तो लोग क्या कह रहे हैं, किसने उतारा है, कौन लोग उतारने वाला आइडेंटिफाई हो गया है, पुलिस क्या कर रही है उसको ले? पुलिस द्वारा उसकी पहचान कर ली गई है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर लिया गया और टीमें प्रयास जारी है उसके लिए। तो सर, क्या उसका कोई फुटेज वगैरह पुलिस के हाथ लगा है जो उतारने वाला है, या फिर लोगों को प्रत्यक्षदर्शी वो कह रहे हैं? इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। क्या लोगों से सर क्या अपील करेंगे, क्योंकि लोग लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं? लोगों से यही अपील है कि एक ये व्यक्ति विशेष की घटना है, उसको सामाजिक रूप ना दें और दोनों संप्रदाय सांप्रदायिक स्वार्थ बनाए रखें और कानून व्यवस्था बनाए रखें। पुलिस उनके साथ है, कानून अपना काम करेगी, जिसने जो अपराध किया है उसको सजा मिलेगी। बिल्कुल, ये पुलिस की ओर से कहा गया है कि जिसने भी ये अपराध किया है उनको सजा मिलेगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस तलाश में जारी है जिसने भी ये ध्वज को नीचे उतारा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे सहयोगी आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाएंगे सीधे तौर पर कि यहाँ पर जो मामला था वो क्या मामला था। यहाँ आज भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जगह जगह पर जो ध्वज लगाए गए हैं, एक ध्वज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। एक विद्युत का पोल है और इस विद्युत के पोल के ऊपर दो ध्वज लगे हैं, एक नीचे है और एक इसके ऊपर है। और यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि ये दूसरा ध्वज जो है ये भी ऊपर था और उसके फिर नीचे उतारा गया है और ध्वज के साथ छेड़छाड़ की गई है, ध्वज को फाड़ा गया है। इसी बात को लेकर विवाद उपजा है। मेरे सहयोगी आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे। भाडखा जो बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के बीच जो है गांव है, वहां बीच चौराहे पर यहां पर लोग जो है किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से यहां पर लोग जो है धरना कर रहे हैं, यही मांग है और इसी मांग को लेकर ये लोग धरने पर बैठे हैं। यहां पर बैठे कुछ लोगों से मैं बातचीत करना चाहूंगा कि ये लोग क्या चाह रहे हैं और इन लोगों की जो मांग है वो क्या है, क्योंकि चारों ओर से आक्रोश है। हालांकि पुलिस की ओर से ये कहा गया है कि जो मामला है उसको लेकर उनकी तलाश आरोपियों की है वो की जा रही है, उनको आइडेंटिफाई जो है कर दिया गया, उनकी पहचान कर दी गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर दिया जाएगा। पुलिस का ये कहना है कि ये एक व्यक्ति विशेष ने किया है, इसको सामाजिक रूप नहीं देना चाहिए। क्या मांग है आप लोगों की? देखिए अशोक जी, कोई व्यक्ति विशेष इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं कर सकता। ये जो काम हुआ है, यानी आज ही के दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के आज ही के दिन ये झंडा फाड़ना, 125 करोड़ हिंदुओं के मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, हिंदुओं को ललकारने का काम किया गया है। आज जो ये काम हुआ है ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत हुआ है। आप क्या मानते हैं कोई सिंगल व्यक्ति इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है? वो देखिए ऊपर झंडे लगाए हैं, भगवान श्री राम के झंडे हटा करके और ऊपर इस्लामिक झंडे लगाए गए हैं। क्यों आज ही ये झंडे लगाए गए? तो किसी का धर्म है, अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। इतने दिन कहाँ गए थे भाई? धर्म चुनौती देने वाले कौन है? कल लगा लेते, परसों लगा लेते, कल लगा लेते, आज ही इनको अपना धर्म कैसे याद आया? और हमारे झंडे उतार करके, हमारे झंडों से ऊपर लगाना, ये कौन सा धर्म है? ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बाड़मेर जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा, ये आक्रोश देख रहे हो, भीड़ देख रहे हो, लोग गाड़ियां भर भर के आ रहे हैं और एक घंटे के अंदर उन विधर्मी ताकतों को गिरफ्तार नहीं किया तो फिर कुछ भी हो सकता है, सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। जी, पुलिस ये कह चुकी है कि हम उसकी तलाश कर रहे हैं, उसकी पहचान कर ली गई है। बिल्कुल, गिरफ्तार करा है, वो कोई अमेरिका नहीं भाग गया है, अभी घंटे आधे घंटे का मामला है, यही कहीं होगा, नाकाबंदी करके गिरफ्तार करे।
हम सब, मैं यहाँ जो प्रत्यक्ष यहाँ के लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपाराम चौधरी है। आज 2:15 बजे के बीच में गजर, आप यहीं थे उस समय? मैंने मेरी आंखों से देखा एक लड़का आता है और खंबे पे लगे हुए भगवान श्री राम के झंडे को उतारता है। हालांकि वहाँ पर बहुत से इस्लामिक झंडे लगे हुए, कभी हिंदुओं ने वहाँ पर किसी उसके झंडे नहीं उतारे हैं। उसके बाद हमारा जब कार्यक्रम होता है, आज भगवान राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे हमारे झंडे जहाँ भी लगे हुए हैं वे लोग पता नहीं कहाँ का उतर, लेकिन जो झंडा उतरा वो मैंने जो मेरी आंखों से देखा है वो ऊपर चढ़ता है, झंडे को नीचे डालता है, फिर पैरों से कुचलता है, फिर उसको चाकू से काटता है। मैं बोला भाई तू ये क्या कर रहा है, झंडे क्यों फाड़ रहा है? बोला मैं तो उसको जलाऊंगा, तू कौन होता मेरे को मना करने वाला? इतने में 3-4 लोग और आ जाते। बोला रफीक क्यों कर रहा है ऐसा? उसको पहचान थे, मैंने बोला इसका नाम रफीक है। मैं बोला रुक, तू, मैं मोबाइल निकालता उसका वीडियो बनाने लगा। वो लड़का वैसे भागने लगा, मस्जिद की तरफ से आया और मस्जिद की तरफ ही गया। ये हमको ललकारने के लिए किया गया है कि हिंदू क्या कर लेंगे हमारा, ये सब कुछ जान। कितना आक्रोश है लोगों में, आक्रोश गुस्सा कितना है? बहुत सा गुस्सा है। हम यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, हम गुस्सा या और क्या होगा, कोई खुशी की बात थोड़ी है। आस्था के साथ खिलवाड़ 500। अब आप लोग क्या चाहते हैं, मांग क्या तुम लोग? हमारी मांग है तुरंत उसको गिरफ्तार करें, और उसके पीछे कौन है, उसको साह किसने दी है, कौन है साजिश करने वाला, साजिश करता कौन है, साजिश करता है नहीं, उसकी जान छोड़ी। बिल्कुल, आप देखिए अशोक जी, एक पूरा गिरोह है, एक आदमी नहीं है, इनके पीछे भी यहाँ भाटघा में 20-25 लोगों की टीम है। उन सबको गिरफ्तार करे और पीछे जो भी साजिश रची है उन सबका पर्दाफाश करे, यही मांग है हमारी। बिल्कुल, मांग इनकी यही है कि जिसने भी ये कृत्य किया है, इस प्रकार की घटना को कारित किया है, उसे गिरफ्तार करें। युवाओं में आक्रोश है कि ऐसा हमारे साथ क्यों किया, हमारी धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत हुई है। हालांकि पुलिस की ओर से ये कहा गया है कि उनकी तलाश की जा रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार इस क्षेत्र में इस प्रकार की धार्मिक भावनाएं या धार्मिक तरीके से भड़काने वाली जो चीज़ें हो रही हैं, इन पर अंकुश पुलिस और प्रशासन सरकार कैसे लगाएगी। हालांकि पुलिस ने यह भी कहा है कि ये किसी पूरी घटना को किसी धर्म से नहीं जोड़ा जाए, ये व्यक्ति विशेष ने किया है और उसे गिरफ्तार कर दिया जाएगा। धन्यवाद।